चौधरी जी, आपको हम लड्डू खिलाएंगे, सुनो पहले। ये जो है, जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन, सर मेरे पास करना चाहिए, मेरे पास लड्डू है, वो इनका एड्रेस है खादरी साहब का, आपको दूंगा। कल आप किसी स्वदेशी कंपनी से इनको बढ़िया सी बर्फी लड्डू जो भी इनको अच्छा लगता हो भिजवा दीजिएगा। नहीं, हम तो खाना भी खिलाने को तैयार है कादरी साहब, घर पे स्वागत है आपका, आइए। क्योंकि हैदराबाद में बिरयानी खिलाएंगे आपको। आप तो अभी बधाई सर, मुझे खिला देना, शायद अग्रवाल जी नहीं खाते हो, मैं खा लूंगा। कब खिलवाएंगे बिरयानी हैदराबादी? आपकी जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो कमेंट था उसके लिए अभी तो भी माफी चाह लीजिए, वक्त है अभी। अभी तो बधाई, कोई बात नहीं सर, मैं एड्रेस आपका दे रहा हूँ, आप भले से इनको मिठाई ना खिलाएं, बधाई ना दे, गोपाल अग्रवाल जी आपको बढ़िया अच्छी सी मिठाई भेजेंगे, दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की। बिल्कुल गोपाल जी, कादरी साहब एक बात का जवाब दे दो कि सेक्युलरिज्म की आपकी डेफिनेशन क्या है? मुस्लिम परस्ती है, क्योंकि जनता ने तो उस पर आपको एक करारा तमाचा लगाया है आपके इस डेफिनेशन पे। आप अभी समझे कि नहीं, बता दीजिए। मेरा मतलब ये है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि बगैर मजहब को देखे कि गवर्नमेंट का ये फरीजा है कि वो हर एक का ख्याल रखे, लेकिन बीजेपी की मरकजी हुकूमत इसमें नाकाम रही। जब हैदराबाद में फ्लड आए तो एक रुपया नहीं दिया, क्यों मुसलमानों की बस्तियों में पानी घुसा, वही कर्नाटक में आप सर सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट आप लोगों ने बना रखे, इसलिए बस्तियों में पानी घुसा। आपको नहीं मालूम हुसैन सागर का पानी क्यों घुसा बस्तियों में? मैं बता देता हूँ मौलाना साहब का कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड हैदराबाद सिटी के अंदर है।